बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सर क्लास अपनी मैथ की बुक ओपन करें आज एक्सरसाइज 3.2 करनी है विच फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन देखिए विदाउट एच विल डूइंग सेपरेट द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्लास टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है मतलब जब डिवाइड करें तो वो फिनेट हो इसे ये देखें अ डेसिमल इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज फिनेट मतलब फिनेट हो जिसका रिमाइंडर जीरो आ जाए वो क्या है टर्मिनेटिंग और जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो मतलब डिवीजन एंड्स मतलब इसको डिवाइड करते जाए मज़ीद बढ़ता चला जाता है सो मतलब ये एंड पे इनफिनिट है ये लामहदूद है ये कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इस तरह से आपने पेज आईडी करना है लेक्चर नंबर 16 फर्स्ट वाला क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअल डिवीजन सेपरेट द टर्मिनेटिंग आपने डिवीजन के बगैर इसको सेपरेट करना है इन नंबर्स को तो क्या 4/9 है तो 4/9 के क्लास देखे मैंने इधर रफ अमल किया तो 4/9 को इस तरह डिवाइड किया तो क्या आया ये क्या है इस पर ये सो आना मतलब ये मज़ीद आगे जा रहा तो इसलिए ये कौन सा है नॉन टर्मिनेटिंग तो 4/9 और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आगे 13/8 तो 13/8 को क्लास इस तरह से डिवाइड करें तो ये क्या आता है ये इधर डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर इसका ज़ीरो आया ये फिनेट है तो इसलिए ये कौन सा आर टर्मिनेटिंग डेसिमल आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखें एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको टर्मिनेटर में करना है 20/8 है तो इस तरह से क्लास आपने 20 को अंदर आके 8 पे डिवाइड किया तो क्या किया 8 2s are 16 10 में 6 लेस करें 4 पॉइंट लगा के ज़ीरो इंक्रीज़ किया 8 5s are 40 ये फिनेट है टर्मिनेटिंग है तो इसलिए इसका आंसर क्या आया 2.5 ये आंसर है और जब अपनी नोटबुक पे क्लास वर्क करना क्वेश्चन नंबर 1 में से 4 वाला 5 वाला और 7 वाला क्वेश्चन नंबर 2 में से 5 वाला और 8 वाला करना है और प्रैक्टिस रजिस्टर पे इनकी प्रैक्टिस भी करनी है।